दोस्तों हमने अभी तक देखा कि सिंध, मुल्तान, काबुल, कन्नौज से महमूद गजनवी भारी मात्रा में खजाना लूटकर गजनी भाग गया। इस खजाने को देखकर महमूद गजनवी के भांजे का दिमाग चकरा गया, जिसका नाम था सलार मसूद उर्फ गाजी बाबा। सलार ने इस खजाने को देखकर हिंदुस्तान पर आक्रमण करके यहां हुकूमत करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से सलार मसूद 1,00,000 की विशाल सेना तैयार करके हिंदुकुश पार करते हुए पंजाब पहुंचा, जहां उसका सामना आनंदपाल शाही और महाराजा अर्जुन सिंह से हुआ। हिंदवी देश के राजा इस विशाल सेना के सामने बेबस थे। मसूद आगे बढ़ते हुए राजपूताना होते हुए बहराइच पहुंचा, जहां उसने अपनी राजधानी बनाने के इरादे से डेरा डाल दिया। इस बात की खबर पहुंची बहराइच के राज दरबार में, जहां के सिंहासन पर बैठा एक शेर मूछों को ताव दे रहा था, जिसका नाम था वीर पराक्रमी धर्म रक्षक महाकाल सेवक महाराजा धीराज सुहेल देव। ये एक ऐसा शेर था जिसके नाम से ही दुश्मन थर थर कांपते थे। दुश्मनों पर तो ये काल बनकर टूट पड़ते थे। वीर विद्वान प्रखर फूक फूक कर कदम रखने वाले एक महान योद्धा थे। जब हुकुम के पास खबर पहुंची कि बहराइच के मैदानों में जिहादियों ने डेरे लगाए, तो महाराज सुहेल देव ने सभी राजाओं को एक पत्र लिखा। उस पत्र के कुछ पन्ने मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। महाराज ने पत्र में लिखा, हिंदुस्तान पर जिहादियों का हमला करने का नतीजा ये होगा कि खुले घूमने वाले शेर अब कैद कर लिए जाएंगे। मैंने सुना है मूछों को ताव देने वाली सनातनी शान अब विधवा हो जाएगी। मैंने सुना है कि दुश्मनों पर काल बनकर गरजने वाली तलवारें अब म्यान में कैद हो जाएगी। आगे लिखा, मैं धर्मयुद्ध का शंखनाद करने जा रहा हूँ, बहराइच के मैदानों में अकेला लड़ूंगा। इस धर्मयुद्ध में भगवे की बुलंदी की गूंज संपूर्ण विश्व सुनेगा। जब सभी राजाओं ने पत्र पढ़े तो सभी सोए हुए शेरों की आंखों में फिर से लाल रंग छा गया। उन्होंने सुहेल देव को जवाब देते हुए लिखा, आप मूछों को ताव देते हुए धर्मयुद्ध का आगाज कीजिए, हम रक्त की नदियां बहा देंगे पर भगवे का सम्मान नहीं झुकने देंगे। ये शेरों की दहाड़ भारत ने बहुत वर्षों बाद सुनी थी। इसी के बाद इतिहास में पहली बार सनातनी वीरों की एक अखंड महाकाल सेना का निर्माण हुआ, जिसमें 22 राज्यों की एक प्रचंड सेना तलवारों को लहराते हुए जय भवानी का युद्धघोष दे रही थी। इस युद्ध में हिंदुओं की 3,00,000 की महान सेना के योद्धाओं ने बहराइच के मैदानों में दुश्मनों को ललकारा। हिंदवी देश की पहली संयुक्त महाकाल सेना को देखकर सैयद सलार मसूद काफी भयभीत हुआ। तभी युद्ध के लिए तंतनाते हिंदवी वीरों ने शंखनाद के साथ ही मल्लेचों पर काल बनकर टूट पड़े। मालवा नरेश ने अपनी अखंड सेना के साथ केसरी ध्वज के साथ हुकार भरी। पंजाब के राजाओं ने दुश्मन सेना की टुकड़ियों को पीछे धकेलना शुरू किया। तभी एक वीर की दहाड़ मैदान में सुनाई दी, जो दो हाथों में तलवार लिए माँ भवानी का युद्धघोष दे रहा था। ये महाराज सुहेल देव थे, जिनकी आंखों में लाल रक्त बह रहा था और पूरे शरीर में रक्त शत्रु को मारने के लिए उफान मार रहा था। युद्ध के मैदान में महाराज सुहेल देव के प्रवेश की खबर मात्र से ही दुश्मनों पर अंधकार के काले बादल छा गए। हिंदवी वीरों का साहस इतना था कि वे इस युद्ध को धर्मयुद्ध की तरह लड़े, और धर्मयुद्ध का अर्थ होता है मर जाओ या मार डालो। भारतीय हिंदू राजाओं की एकता और अखंड सेना के वीरों का साहस देखकर सलार मसूद अफगान की तरफ भागने लगा, पर उसको महाराजा भोज की सेना ने घेर लिया। इधर सुहेल देव अपने घोड़े से उतरकर जय भवानी करने ही वाले थे कि राजा भोज ने शत्रु को दो टुकड़ों में चीर दिया। इस युद्ध में एक एक जिहादी मारा गया। बहराइच में सचमुच रक्त की नदियां बहने लगी थी। इस युद्ध में हिंदुआ वीरों ने जीत के साथ भगवे को नमन किया। फिर राजा भोज ने खंडहर में बदल चुके सोमनाथ मंदिर को पुनः शुद्ध करवाया और उसका पुनः निर्माण भी करवाया। इतिहास में राजा सुहेल देव के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, पर इस महान शेर को नमन कीजिए जिन्होंने सोए हुए शेरों को जगाया। आज जिस स्थान पर सलार मसूद का वध किया गया था, उस स्थान पर एक भव्य दरगाह बनाई गई है, जो राजा सुहेल देव और अखंड सेना पर आज भी हस्ती है। इस संपूर्ण घटनाक्रम का उल्लेख अब्दुल रहमान की किताब मसूद ए अकबरी अर्थात मसूद का आईना में मिलता है, जिसे जहांगीर के शासनकाल में लिखवाया गया था। यह बात थोड़ी पुरानी है, यह तलवार थोड़ी पुरानी है, इसे जंग लगाया है हमने क्योंकि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में, तो दहाड़ करो तुम शेरों की, सच्चे दिल से आग बनकर
जयकार करो इन वीरों की। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए डिमांडिंग पंडित के साथ।